वेल गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। पिछले दो लेक्चर्स में मैंने एरियल फोटोग्राफी के हिस्ट्री और सैटेलाइट मोशन की हिस्ट्री और उनसे संबंधित कंसेप्ट आपको बताए थे। अब मैं एरियल फोटोग्राफी का डिटेल में बताना चाहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एरियल फोटोग्राफी डेफिनेशन कंसेप्ट इंटरप्रिटेशन एंड मैपिंग, हवाई फोटोग्राफी परिभाषा अवधारणाएँ निर्वचन और मानचित्रीकरण। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एन एरियल फोटोग्राफ या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एन एरियल फोटोग्राफ या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वेयर लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्साइडिंग एट वन प्लेस देन गोइंग टूअर्ड्स इट्स रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। हिंदी में हम बोलेंगे हवाई फोटोग्राफी परिपेक्ष प्रक्षेपण है। परिपेक्ष हिंदी में बोलते हैं, पर्सपेक्टिव को परिपेक्ष बोलते हैं और प्रोजेक्शन को प्रक्षेपण बोलते हैं। परिपेक्ष प्रक्षेपण है जहाँ पर प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट से आकर एक सेंट्रल बिंदु पर, एक केंद्र बिंदु पर मिलती हैं, फिर वह अपनी अपनी दिशाओं को जाती हैं। और इसी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी खातिर, इसके कारण हम फोटोग्राफी से बहुत से क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जैसे हाइट है, उसका डायरेक्शन, उसका साइज है और उसके बारे में पूरा उसका फॉर्म है, क्या मतलब किसी ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, साइज है, हाइट है, ये हम बता सकते हैं बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी। लेकिन ये चीज़ आपको सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग में नहीं मिलेगी। सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग में हम केवल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के आधार पर ही हम उसका कोरिलेशन निकालते हैं और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के आधार पर, चाहे वो विजुअल इंटरप्रिटेशन हो या आपका डिजिटल इंटरप्रिटेशन हो, हम उसके आधार पर हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनका मानचित्रीकरण करते हैं। लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफी में हम डायरेक्ट ही मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्ट ही क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं और सेटेलाइट इमोशन भी क्वांटिटेटिव करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में करते हैं, यहाँ डायरेक्ट नहीं होता है। और इसमें डायरेक्ट वे में करते हैं एरियल फोटोग्राफी में। आज तक हमारे इंडिया में फोटोग्राफी और सेटेलाइट इमोशन दोनों का समावेश होता रहा है था, लेकिन जब से हमारा सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग के डोमिनेट किया है तो हमने एरियल फोटोग्राफी के बारे में काफ़ी कम हम अवधारणाएँ लेते हैं। कारण एरियल फोटोग्राफी में हमें 3D व्यू लेना पड़ता है। 3D व्यू मतलब आदमी का जो आंखें हैं उनको 3D कंसेप्ट उनको होना चाहिए। हर साइंटिस्ट के पास, हर आदमी के पास 3D व्यू, अगर 3D कंसेप्ट अगर स्टीरियोस्कोप के अंदर नहीं आएगा तो आपको एरियल फोटोग्राफी का इंटरप्रिटेशन कर नहीं सकते। लेकिन सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग में ये चीज़ें नहीं है, उसमें आपको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर और इंटरप्रिटेशन अलग कंसेप्ट है। आप उसको नीचे करें। अब हम आपको एरियल फोटोग्राफी डिटेल कंसेप्ट बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में क्या क्या हम कर सकते हैं इसका पूरा आपका समावेश करेंगे। एरियल फोटोग्राफी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ्स फ्रॉम द एयर यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स मोस्टली एयरक्राफ्ट फॉर स्टडिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब हम इसको हिंदी में कहेंगे, हवाई फोटोग्राफी को पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों, ज़्यादातर विमानों का उपयोग कर हवा से तस्वीरें लेने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। इसको हम अभी जैसे मैंने कहा था, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि एन एरियल फोटोग्राफी या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जैसे प्रोजेक्शन अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे सेंट्रल प्रोजेक्शन है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, पैरेलल प्रोजेक्शन है, लेकिन एरियल फोटोग्राफी एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। जैसे हमारे आँखें जो देखती हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, हमारे आँखों के सेंट्रल बिंदु को पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के खातिर हम उसको उसकी बिंब बना पाते हैं।
उसी तरह से एरियल कैमरा के जो लेंस है उसके सेंट्रल बिंदु पर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की वजह से उसमें आपको फोटोग्राफ का समावेश होता है। तो अब एरियल क्यों कहा गया है? एरियल फोटोग्राफी का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वस्तु के बारे में फोटोग्राफी लेना चाहते हैं, किसी भी जगह की फोटोग्राफी लेना चाहते हैं, तो आप ऊंची उठी हुई जगह से फोटोग्राफी लेंगे, मतलब या ऊंची उठी जगह हो सकता है आपका बैरून से लेंगे आपको, या आप हेलीकॉप्टर से लें, या विमान से लें, या किसी भी तरह से लें, आप उठी हुई एलिवेटेड पोर्शन से आप फोटोग्राफी ले सकते हैं। और उस उठी हुई जगह से अगर हवा से आप हवा के ऊपर से फोटो में फोटोग्राफी लेंगे तो उसको एरियल फोटोग्राफी बोलते हैं। ये जनरल कंसेप्ट हुआ, लेकिन एक्चुअल जो डेफिनेशन फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी कैसे होती है, ये मैंने आपको सेंट्रल प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बताया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी में और मैप में क्या अंतर है। आपने सुना होगा मैप, मानचित्र, और मानचित्र जो प्लानिमेट्रिक पोजिशन जिनमें होती है, जिनमें मानचित्र अलग होता है, स्केच अलग होता है। मानचित्र में आपको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि पृथ्वी की जो चीज़ जहाँ पर है ठीक उसके अगर लंब हम डालें तो वो पेपर में भी वहाँ पर ही रजिस्टर होगा। जो चीज़ जहाँ पर है प्लानिमेट्रिकली वही चीज़, चाहे घर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे नदी नाला, जहाँ पर भी जो भी आपको चीज़ें होंगी वो ठीक लंबवत पेपर में वहीं पर दिखाई देगी। लेकिन फोटोग्राफी में ऐसा नहीं है। फोटोग्राफी में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की वजह से आपको कोई भी ऊंची वस्तु, कोई भी जिसकी हाइट है, जो ऊंची वस्तु, खड़ी वस्तु है, तो उसका टॉप एक जगह रजिस्टर होगा और बॉटम दूसरी जगह रजिस्टर होगा। टॉप और बॉटम के बीच की जो दूरी होगी उसको कहते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको हर कोई वस्तु, जो भी उसमें ऑब्जेक्ट, जो भी हाइट पर ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आपका फॉर्म उसको बनाएगा, उस हिसाब से वो आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जरूर देगा। और उस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वो प्रॉपर्टी वजह से, हम फोटोग्राफी का कुछ यंत्र होते हैं जिसकी वजह से हम उनका हाइट निकाल सकते हैं, उसका फॉर्म निकाल सकते हैं। और मैप में, मानचित्र में और फोटोग्राफी में यही अंतर है कि फोटोग्राफी तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है और जैसा है वैसे आपको दिखाई देगा। मानचित्र जो है उसमें हाथ का काम होता है और उसको हाथों की वजह, हाथ के काम में आपको लंबवत उस चीज़ का रजिस्टर पेपर में करना पड़ता है। और विद रेस्पेक्ट टू लैटीट्यूड एंड लॉन्गीट्यूड, लैटीट्यूड किसको कहते हैं, लॉन्गीट्यूड किसको कहते हैं, मैंने पहले बताया आपको। लॉन्गीट्यूड जो है आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रेखाएँ होती हैं वो लॉन्गीट्यूड कहे जाते हैं, और लैटीट्यूड जो है आपको ईस्ट वेस्ट जो रेखाएँ होती हैं, सेंट्रल मेडिटेरेनियन से बढ़ती रेखाएँ होती हैं, उनको लैटीट्यूड बोलते हैं। तो लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड एक ये अवधारणाएँ इंटरनेशनल हैं। ये ब्रिटिश ग्रीक टाइम से ये लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड कंसेप्ट, कोलम्बस, वास्को डी गामा जब पहले पहले हमारे इंडिया में आए थे उससे पहले भी मैपिंग शुरू हो गया था। तो पूरे इंटरनेशनल कंसेप्ट में मैपिंग करने के लिए, मानचित्रीकरण करने के लिए हमने प्लानिमेट्रिक पोजिशन को तैयार किया है। प्लानिमेट्रिक मैप, उनको मैप भी, अगर प्लानिमेट्रिक करेक्शन उसमें मैप में नहीं होगा, प्लानिमेट्रिक पोजिशन मैप में नहीं होगी, वो मैप नहीं कहा जाएगा, उसको खाली स्केच बोलेंगे, खाली पेपर स्केच बोलेंगे, उनको मैप नहीं कहा जाएगा। लेकिन फोटोग्राफ में आपको ये लॉन्गीट्यूड लैटीट्यूड तो होगा नहीं। आपने फोटोग्राफ लिया और फोटोग्राफ को देखना शुरू करा और वो उसका किस तरह से आपका उस बिंब बना, हो सकता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आपको एकदम काला, फिर आपका ग्रे, फिर कम ग्रे, फिर लाइट ग्रे, फिर वाइट, इस तरह का आएगा आपका। लेकिन उसी तरह से अगर कलर फोटोग्राफी होगा तो कलर का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन आएगा। लेकिन मैप में ऐसा कलर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ब्लैक एंड वाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है। केवल मैप जो है आपको जो पृथ्वी में जो चीज़ जहाँ पर है उन चीज़ों को पेपर में दिखाने के लिए, एक पर्टिकुलर स्केल में लाकर पेपर में दिखाने के लिए उसको मैप कहा जाता है। और मैप एक ऐसी चीज़ है जिनके बिना हम एक भी इंच आगे कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। कोई भी डेवलपमेंट हम बिना मैप के नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे पास मैप नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम आगे शुरू कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैप जो है
अगर आपने एक बार बना दिया उसके बाद 10 साल बाद हमारी पृथ्वी में चेंजेस आते रहते हैं। आज यहाँ पर रोड था, कल वहाँ पर रोड नहीं है। आज यहाँ पर घर था, कल वहाँ पर घर नहीं है। तो चेंजेज आते रहते हैं। उन चेंजेज को के लिए हमारे पास केवल मैप से ही हम काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमें एरियल फोटोग्राफी की रिमोट सेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एरियल फोटोग्राफी में, सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग में, जब भी आपको लेंगे तब वो चीज़ वो वहाँ पर मैं जो सड़क है कि नहीं, रोड है कि नहीं है, घर है कि नहीं है, वो सब दिखाई देगा। तो हम मैप को अपडेट कर सकते हैं फोटोग्राफ से, और मैप को अपडेट कर सकते हैं सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग। क्योंकि हम सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग में हर किसी टाइम इंटरव्यू के बाद हम रिमोट सेंसिंग करते रहते हैं, हम उसका आपका फोटो लेते रहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हो, चाहे हम आपका फोटोग्राफी सिस्टम से हो। तो सर नॉर्मली यर फोटोज आर टेकन वर्टिकली फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट यूजिंग हाईली एक्यूरेट कैमरा। आमतौर पर एक उच्च सटीक कैमरे का उपयोग करके हवाई तस्वीरें विमान से लंब रूप में ली जाती हैं। अब हर फोटोग्राफ के लिए हमें फिल्म को समझना बहुत जरूरी है। फिल्म क्या है? फिल्म को हम कह सकते हैं जैसे मोस्ट एयर फोटो मिशंस आर फ्लोन यूजिंग ब्लैक एंड वाइट फिल्म, कलर इंफ्रारेड एंड फास्ट कलर इंफ्रारेड फिल्म आर समटाइम यूज फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट। अब अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो फिल्म अधिकांश हवाई फोटो मिशनों को काला और सफ़ेद फिल्म का उपयोग कर उड़ाया जाता है। विशेष परियोजनाओं के लिए कभी कभी रंग अवरक्त और कृत्रिम रंग की अवरक्त फिल्म का उपयोग किया जाता है। अब फोकल लेंथ, अब ये जो है प्रॉपर्टी फोटोग्राफ की मैं बता रहा हूँ, कैमरे की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। फोकल लेंथ, इट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम मिडिल ऑफ द कैमरा लेंस टू द फोकल प्लेन, दैट इज द फिल्म। एज फोकल लेंथ इंक्रीजेज, इमेज डिस्टॉर्शन डिक्रीजेज। द फोकल लेंथ इज प्रिसाइजली मेजर्ड व्हेन द कैमरा इज कैलिब्रेटेड। इसको हम हिंदी में बोलेंगे नाभि लंबाई, फोकल लेंथ को बोलते हैं नाभि लंबाई। यह कैमरा लेंस के मध्य से फोकल प्लेन यानी फिल्म तक दूरी है। नाभि लंबाई बढ़ने से छवि का विरूपण घट जाता है। जब कैमरे की जांच की जाती है तो फोकल लंबाई सटीक निर्धारण होती है। अब इसमें हम आपको स्केल भी समझना पड़ेगा। स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द फोटो टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में जो दो पॉइंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट फोटो में जो हैं, उन फोटो डिस्टेंस, फोटो में जो पॉइंट का डिस्टेंस का जो रेशियो है, ग्राउंड के रेस्पेक्टिव पॉइंट्स का ग्राउंड जो डिस्टेंस उसका जो रेशियो है उसको कहेंगे स्केल। इसको हम स्केल को हम हिंदी में बोलेंगे पैमाना। एक तस्वीर पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात जमीन पर वही दो बिंदुओं के बीच का वास्तविक दूरी है। यह पैमाना, यह है आपका परिभाषा, पैमाने की परिभाषा। फोटो स्केल इज ऑल्सो डिटरमिन्ड बाई अप्लाइंग द रेशियो बिटवीन द कैमराज फोकल लेंथ एंड द प्लेन्स हाइट अबव द ग्राउंड बीइंग फोटोग्राफ्ड। कैमरे की नाभि लंबाई और चित्रित जमीन के ऊपर विमान की ऊंचाई के बीच का अनुपात लगाने से भी तस्वीर के पैमाने को निर्धारित किया जाता है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है फोकल प्लेन। अब लेंस के सेंट्रल पॉइंट से निगेटिव प्लेन की बीच के जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ, और जमीन से लेके फोकल पॉइंट के तक आपकी जो दूरी होगी अल्टीट्यूड और अबव ग्राउंड लेवल और हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, हाइट ऑफ द कैमरा। और स्केल को हम एफ अपॉन एस से दर्शा सकते हैं। स्केल इज इक्वल टू एफ अपॉन एस, फोकल लेंथ अपॉन हाइट, फोकल लेंथ अपॉन हाइट। फ्लाइट डायरेक्शन, एरियल फोटोग्राफी फ्लोन इन स्ट्रिप्स टू कवर द डेजिग्नेटेड एरिया। इसको हम बोलेंगे उड़ान दिशा जो है निर्धारित क्षेत्र को कवर करने के लिए हवाई फोटोग्राफी उड़ान स्ट्रिप्स में किया जाता है। अब आपको फोटोग्राफी के लिए टाइम, सीजन और फोटोग्राफी का पता होना चाहिए ताकि
फोटोग्राफी की क्वालिटी कैसी आएगी इसमें, टाइम क्या है, सीजन क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। द टाइम ऑफ फोटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग शेडोज टेंड टू ऑब्स्क्योर द डिटेल्स वेयर एज स्मॉल शेडोज आर वेरी एडवांटेजियस इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेंसिंग टोनल एंड टेक्सचरल वैल्यू। फोटोग्राफी, अब इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो फोटोग्राफी का समय सीजन, फोटोग्राफी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे लंबी छाया विवरण को स्पष्ट करते हैं, जबकि छोटी छाया वस्तुओं फीचर के बीच बढ़ती विषमता निर्वचन ध्यान में रखते हुए बहुत फायदेमंद है। फिजिशियल मार्क, अब फोटोग्राफी में जब फोटो आप देखेंगे, हवाई फोटोग्राफी देखेंगे तो उसमें आपको फिजिशियल मार्क मिलेंगे। फिजिशियल मार्क का क्या महत्व है, इनको कहते हैं विश्वस्त निशान। दीज आर द स्मॉल रजिस्ट्रेशन मार्क्स एक्सपोज ऑन द एज ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के एजों पर ये छोटे से मार्क्स होते हैं। दीज मार्क्स हेल्प टू मार्क द प्रिंसिपल पॉइंट एंड डिमार्केट द एफेक्टिव एरिया। एफेक्टिव एरिया हर फोटोग्राफी में लगाया जाता है, क्योंकि हम जब तक अफेक्टिव एरिया नहीं लगाएंगे तो फोटोग्राफी के एक दूसरे से मैचिंग नहीं हो पाता है। एफेक्टिव एरिया इन्हीं फ्यूडिशियल मार्क्स की वजह से के हेल्प से लगता है, और उसका तरीका यह है कि फ्यूडिशियल मार्क एक दूसरे को जब मिलाए जाते हैं तो बीच में आपका सेंट्रल प्रिंसिपल पॉइंट आता है, और प्रिंसिपल पॉइंट और ओवरलैप को देखते हुए आधा डिस्टेंस दाएं तरफ आधा डिस्टेंस बाएं तरफ लेके और उसी से साइड में लेके आपका ये अफेक्टिव एरिया मार्क होता है। बिना अफेक्टिव एरिया के आपको इंटरप्रिटेशन मैचिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है। अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये तस्वीरों के किनारों पर उजागर छोटे पंजीकरण निशान हैं, ये निशान मुख्य बिंदुओं को चिन्हित करने में मदद और उत्तेजित क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं। ओवरलैप, यदि व्यापन ओवरलैप, बिना ओवरलैप के आप 3D व्यू नहीं देख सकते हैं। ओवरलैप होना फोटोग्राफी में, एक फोटोग्राफी पेयर ऑफ ओवरलैपिंग बहुत जरूरी है। ओवरलैप तब आता है जब आपको अपना फोटोग्राफी के जो स्टेशन है स्लाइडली आप चेंज करते हैं, उसको चेंज करने से आपका ओवरलैप आ जाता है। ए पर्टिकुलर एरिया विच इज कॉमन ऑन बोथ द एडजेसेंट फोटोग्राफ्स, उसको कहते हैं ओवरलैप को बोलते हैं। ए कॉमन एरिया ऑन बोथ द एडजेसेंट फोटोग्राफीज इसे स्टीरियो पॉइंट बोलते हैं उसको। एक विशेष क्षेत्र जो आसन तस्वीरों स्टीरियो जोड़ी में उभयनिष्ठ रहे हैं, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हों, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं। स्टीरियोस्कोपिक कवरेज, स्टीरियोस्कोपिक कवरेज कैसे मिलता है, जैसे द थ्री डायमेंशनल व्यू विच रिजल्ट्स व्हेन टू ओवरलैपिंग फोटोज कॉल्ड स्टीरियो ब्लर आर व्यूड यूजिंग स्टीरियोस्कोप। अब यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, जहाज जा रहा है, आपका पहला स्टेशन नंबर एक स्टेशन है, फोटो लिया आपने, फिर दूसरा स्टेशन है, तो पहले स्टेशन दूसरे स्टेशन में करीब 50% के करीब एक एरिया दूसरे में भी आ जाता है, दूसरे स्टेशन में से भी दिखाई देता है, पहले स्टेशन से जो एरिया दिखाई देता है उसका 50% एरिया फिर दूसरे स्टेशन से दिखाई दे रहा है, फिर दूसरे स्टेशन का से तीसरे स्टेशन में जाते हैं तो दूसरे स्टेशन का 50% उसमें दिखाई देता है। उसी तरह से आपको 50% और मोर देन 50% एरिया, करीब 60% एरिया हर फोटोग्राफ में कॉमन होता है, और उस एरिया को कॉमन होने की वजह से उसमें थोड़ा सा पैरेलेक्स आ जाता है, क्योंकि व्यूइंग डिस्टेंस, व्यूइंग पॉइंट जो है बदल जाता है, व्यूइंग पॉइंट बदलने से आपके शेप में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जो चेंज आता है उसको आप फिर दोबारा स्टीरियोस्कोप के अंदर अगर देखते हैं तो 3D व्यू उसमें पैरेलेक्स रिमूव होने के बाद मिलता है आपको। अब ये स्टीरियोस्कोपिक कवरेज को अगर हम हिंदी में दर्शाना चाहें, त्रिविम आवृत क्षेत्र बोलते हैं इसको, त्रिआयामी दृश्य जो दो अति छादी फोटो जिसे स्टीरियो जोड़ी कहा जाता है का परिणाम है, एक त्रिविम का उपयोग करके देखा जाता है। यहाँ आप हवाई सर्वेक्षण में पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और जहाज आगे जाता रहता है और हर स्टेशन पर फोटोग्राफी लेता रहता है, और उसका डिजाइन ऐसे तैयार किया जाता है उस स्टेशन का, मतलब उनको स्टेशनों की दूरी और टाइम का ऐसे सिंक्रोनाइज किया जाता है कि हर क्षेत्र को, एक सेशन में जितना क्षेत्र देखता है उसका 50% से ज़्यादा क्षेत्र दूसरे में भी दिखे। अगर यही चीज़ अगर हम जब फोटोग्राफी लेने के बाद देखते हैं तो आप देख लीजिए, पहले स्टेशन का नंबर एक फोटोग्राफ है, दूसरे स्टेशन का नंबर दो, तीसरे स्टेशन का नंबर तीन, चार, पाँच, छः,
तो ओवरलैप को हमने बेहतर से दिखा रखा है। 6 नंबर में आपको हैचरिंग हो रखा है, इतना पोर्शन हैचरिंग होता है, ये तो फॉरवर्ड ओवरलैप कहा जाता है। और लेटरल ओवरलैप इसके जस्ट अब नॉर्थ डायरेक्शन में है, लेटरल ओवरलैप आपको 30% ये करीब ऊपर ये जो फोटोग्राफी होती है उसका ओवरलैप में 50% लेके आपको लेटरल ओवरलैप आ जाता है। ये ओवरलैपिंग होना स्टीरियोस्कोप में बहुत ज़रूरी है, अगर ओवरलैपिंग नहीं होगा तो आपको स्टीरियोस्कोप के अंदर 3D व्यू मिल ही नहीं सकता। अगर 3D व्यू नहीं मिलेगा तो इंटरप्रिटेशन में आपको कौन सी वस्तु कितनी ऊंची है, कितना उसका फॉर्म है, उसका असली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। 3D फोटोग्राफी, अब 3D फोटोग्राफी क्या है, 3D फोटोग्राफी और स्टीरियोस्कोपिक फोटोग्राफी इज द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग एंड डिस्प्लेइंग टू स्लाइटली ऑफसेट फोटोग्राफ्स टू क्रिएट 3 डायमेंशनल इमेजेस। 3D फोटोग्राफी या त्रिविम फोटोग्राफी अधिकृत करने और 3 आयामी छवियों को बनाने के लिए 2 थोड़ा ऑफसेट खसका हुआ, ऑफसेट बोलते हैं खसका हुआ जो होता है उसको ऑफसेट बोला जाता है, फोटो प्रदर्शित करने की कला है। द 3D इफेक्ट वर्क्स बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। और 3D इफेक्ट स्टीरियोप्सिस का प्रिंसिपल की वजह से आता है। 3 IPS नामक एक सिद्धांत के कारण 3D प्रभाव काम करता है। ईच आई, अब यहाँ पर आपका एक साइंटिफिक चीज तौर से सोचना पड़ेगा, ईच आई इज एन इज ए डिफरेंट लोकेशन, ईच आई इज इन ए डिफरेंट लोकेशन एंड एज ए रिजल्ट इट सीज स्लाइटली डिफरेंट इमेज। द डिफरेंस बिटवीन दीज इमेजेस गिव्स अस डेप्थ परसेप्शन। प्रत्येक आंख एक अलग स्थान पर है और नतीजन यह थोड़ा सा अलग छवि देखता है। इन छवियों के बीच अंतर हमें गहराई की धारणा देता है। अब ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं पॉकेट स्टीरियोस्कोप। पॉकेट स्टीरियोस्कोप के नीचे स्टीरियो व्यू कार्ड लगा हुआ है। जब कोई भी इंटरप्रेटर, कोई भी निर्वाचक अगर फोटोग्राफी का एनालिसिस करता है तो उसको, उस आदमी को पहले उसकी आँखों को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के लिए ये जो चित्र जो बनाए हैं ये बिल्कुल, जो चित्र बाईं तरफ हैं वही दाईं तरफ भी हैं, लेकिन ये जो दोनों चित्र हैं 3, 3, 6, 2, 8 चित्र बाईं तरफ हैं, 8 ही दाईं तरफ भी हैं, लेकिन ये जो चित्र हैं, ये जो फिगर हैं, थोड़े से अलग अलग पॉइंटों से इनका चित्र लिया गया है। एक ही पॉइंट से नहीं लिया है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करके चित्र लिया गया ताकि इनमें आपका पैरेलेक्स आ जाए, थोड़ा सा पोजीशनिंग की चेंज हो जाए। तो अब ये स्टीरियोस्कोप जो है, पहले पॉकेट स्टीरियोस्कोप है, इसका जो फोकल आपका रिजॉल्व पावर है तो इसमें 10 सेंटीमीटर है और हमारी आँखों के जो रिजॉल्विंग पावर है वो है आपका 25। तो 25/10 2.5 आपका इन्हेंसमेंट इसमें आएगा, 2.5 टाइम एनहेंसमेंट आपको बड़ा आपको इस पॉकेट स्टीरियोस्कोप से दिख सकता है। पॉकेट स्टीरियोस्कोप से 2.5 टाइम एनहेंसमेंट आपको दिख सकता है और एट द सेम टाइम आप अपनी दोनों आंखों से अगर जब इन पॉकेट स्टीरियोस्कोप के क्लोज करेंगे, क्लोजली इसको देखेंगे तो आपको 3D व्यू दिखेगा। और ये जो चित्र आपको आप दाएँ और बाएँ तरफ दिखाए, ये कोई ऊपर आएगा दिखेगा, कोई नीचे दिखेगा, कोई बीच में दिखेगा, बहुत कोई सबसे नीचे दिखेगा। इस तरह से इनकी डेप्थ जो है अलग 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 आती है और ये नोट करके रखा गया है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको वो इनका नोट करके रखते हैं। जब भी कोई टेस्ट किसी का लेना होता है, अगर वो बता देता है कि ये सबसे ऊंचा है, ये बीच का है, ये बहुत नीचे है, और इनमें हर चित्र को बताता है, अगर पूरा का पूरा सही बताए तो आपको 100% आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हैं, फोटो इंटरप्रिटेशन के लायक हैं। अगर थोड़ा बहुत 50% या 60% जो भी है इसको बता पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टीरियोस्कोपी होती नहीं है और उनको पता ही नहीं लगता कि ये चित्र ऊपर है कि नीचे है कि बीच में कहाँ पर है, तो उनको उनकी आँखें स्टीरियोस्कोपी नहीं होती हैं और वो आपका इंटरप्रिटेशन, फोटो इंटरप्रिटेशन करने लायक वो लोग नहीं होते हैं। करीब कहा जाता है कि करीब 1,000, 2,000, 3,000 में से कभी एक आदमी की आँखें ऐसी निकल आती हैं। तो वो ट्रेनिंग के दरमियान जहाँ भी इसकी ट्रेनिंग होती है उसको, उस आदमी को हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे इस टेक्निक को आपके लायक नहीं है। स्टीरियोस्कोप क्या है? स्टीरियोस्कोप इज अ डिवाइस फॉर व्यूइंग स्टीरियोस्कोपिक पेयर ऑफ इमेजेस। दिस डिवाइस फैसिलिटेट टू सी दी
सिमिलर इमेजेस फ्रॉम टू आईज सो एज टू गेट अ 3D व्यू। अब इसको हम हिंदी में बोलेंगे त्रिबिंबदर्शी। त्रिबिंबदर्शी एक त्रिबिंब चूड़ी को देखने के लिए एक उपकरण है। यह उपकरण दो आंखों से एक समान चित्र देखने के लिए सुविधाजनक है ताकि 3D व्यू मिल सके। 3D का भीगा मतलब हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3D व्यू इसको बोलेंगे। अब ये है मिरर स्टीरोस्कोप। पहले तो पॉकेट स्टीरोस्कोप ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको ले जा सकते हैं। फोटोग्राफी में 3D व्यू देखने के लिए पॉकेट स्टीरोस्कोप आप जेब में रख के ले जाइए और 3D व्यू देख लीजिए। और जहाँ भी ज़मीन में जहाँ पर भी आपको काम करना है, जो भी चीज़ देखनी है, आप उसी मदद से देख सकते हैं कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या है। तो ये तो पोर्टेबल है। अब ये है मिरर स्टीरोस्कोप, ये एक्चुअल मैपिंग के पर्पज से, इंटरप्रिटेशन पर्पज से है। इसमें आपको लेबोरेटरी में रखा जाता है और फोटो इंटरप्रिटेशन इसके थ्रू होता है। फोटो इंटरप्रिटेशन में आपको सबसे पहले 3D व्यू देखना भी है। प्योर ऑफ स्टीरोस्कोप, आप प्योर ऑफ फोटोग्राफ नीचे रख के आपको उसमें पहले एडजस्ट करके आपको उसको 3D व्यू देखा जाता है। 3D व्यू देखने के बाद फिर हर ऑब्जेक्ट को, हर वस्तु को उसकी डिफरेंट आकार, कलर, इस तरह से डिफरेंट लोकेशन के आधार पर उसको पहचाना, जैसे नदी, नाला, खेती, जंगल, कितने प्रकार के जंगल, ये सब पहचानने में उसके लाइन लगाए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। अब ये मिरर स्टीरोस्कोप का बताएंगे आपको। ए टिपिकल स्टीरोस्कोप प्रोवाइड्स ईच आई विद ए लेंस दैट मेक्स द इमेज लार्जर एंड मोर डिस्टेंस। ए पर्सन विद नॉर्मल बायनोकुलर डेप्थ परसेप्शन द एजेस ऑफ द टू इमेजेस सीमिंगली फ्यूज इनटू वन स्टीरियो विंडो। अब इसको हम हिंदी में आपको ट्रांसलेट करेंगे। एक प्रारूपी त्रिबिंबदर्शी प्रत्येक आंख को एक लेंस के साथ प्रदान करता है जो छवि को बड़ा और अधिक दूर बनाता है। एक व्यक्ति को सामान्य द्विनेत्री गहराई धारणा के साथ दो छवियों के मिलित प्रतीत होते हुए कि वे की महत्व को स्टीरियो विंडो में तोड़ा जाता है। फोटो इंटरप्रिटेशन, अब फोटो इंटरप्रिटेशन है क्या, कैसे फोटो इंटरप्रिटेशन करें और फोटो इंटरप्रिटेशन होता क्या है। फोटो इंटरप्रिटेशन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग फोटोग्राफिक इमेजेस टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड जज देयर सिग्निफिकेंस। एक फोटो इंटरप्रिटेशन, फोटो निर्वाचन, इसको हिंदी में बोलेंगे फोटो निर्वाचन, वस्तुओं की पहचान करने और उनके महत्व को आंकने के लिए फोटोग्राफिक छवियों की जांच कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, जांचेंगे, देखेंगे, उसको पहचानेंगे, फिर उसके आकलन करेंगे। आकलन करने के लिए उसको बताएंगे भी ये कि क्या चीज़ है, किस तरह से, मतलब उसको पहले आप उसके फॉर्म को देखेंगे, उसको कलर को देखेंगे और उसका लोकेशन देखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे भी ये चीज़ ये है। एंड इंटरप्रेटर स्टडीज रिमोटली सेंस डाटा एंड अटेम्प्ट थ्रू लॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिटेक्ट आइडेंटिफाई मेजर एंड इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स पैटर्न्स एंड स्पेशल रिलेशनशिप। इट इज एन इंफॉर्मेशन एक्सेशन प्रोसेस। एक निर्वाचक दूर से संवेदनशील डेटा का अध्ययन करता है और तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से उनका पता लगाने, पहचानने, मापने, पर्यावरण, सांस्कृतिक वस्तुओं, पैटर्न और स्थानिक संबंधों को महत्व के मूल्यांकन का काम करता है। यह एक सूचना निष्कर्षण प्रक्रिया है। अब फोटो इंटरप्रिटेशन यदि जनरल कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, लेकिन ये फोटो इंटरप्रिटेशन हर प्रकार का, हर लैंड यूज के लिए, हर वस्तु के निर्वाचन के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। और किस तरह से अप्लाई करते हैं उसमें अलग अलग दिखाया जाता है। किस तरह से अगर एग्रीकल्चर का करेंगे तो किस तरह से क्या टोन होना चाहिए, किस तरह से दिखाई देता है। फॉरेस्ट का करेंगे और जियोलॉजी का करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी का करेंगे, हाइड्रोलॉजी का करेंगे, तो उसमें भी डिफरेंट आकार प्रकार के हिसाब से निर्वाचन किया जाता है। अब हवाई तस्वीरों की अद्वितीय उपयोगिताएँ हैं। फोटोग्राफी जो है हवाई फोटोग्राफी की कुछ अद्वितीय उपयोगिताएं हैं, यूनिक यूटिलिटीज। इट रिप्रेजेंट्स ए लार्जर एरिया ऑफ लैंड
फोटोग्राफ की क्या यूटिलिटी है पहले बताए, पहले बता रहा हूँ। इसकी पहली यूटिलिटी तो है, इट रिप्रेजेंट्स ए लार्जर एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव व्यू एंड प्रोवाइड्स ए फॉर्मेट दैट फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। यह परिप्रेक्ष्य से देखने पर जमीन के एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और एक प्रारूप जो कि वस्तुओं और उनके संबंधों की अध्ययन की सुविधा देता है, प्रदान करता है। ओवरलैपिंग प्योरो एरिया प्रोवाइड 3D व्यू अंडर मिरर टेलीस्कोप। ये मैंने अभी बताया था आपको, ओवरलैप प्योरो फोटोग्राफ का अगर हम ठीक से उसका एडजस्टमेंट करेंगे तो ये 3D व्यू आपको देता है। एरियल फोटोग्राफ इज एन ओवरलैपिंग जोड़ी मिरर टेलीस्कोप के तहत देखने पर एक 3D प्रदान करता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ तीसरा जो मीनिंग यूटिलिटी है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू फोटोग्राफ। आपको इस चीज़ को सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, जो चीज़ हम देख भी नहीं सकते हैं हम ओपन आई से नहीं जो चीज़ देख सकते हैं उसको फोटोग्राफी से देख सकते हैं। जो चीज़ हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रही वह हमारी फोटोग्राफी में दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखों का देखने का जो कैपेसिटी है वो आपके विद इन विजुअल रेंज है 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर, 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर के अंदर हम देखते हैं। लेकिन फोटोग्राफी और ज़्यादा स्पेसिफिक है, उसे हम 0.4 to 0.9 माइक्रोमीटर देख सकते हैं, मतलब इंफ्रारेड भी हम देख सकते हैं फोटोग्राफ के थ्रू। तो फोटोग्राफी से कोई चीज़ हिडन नहीं, कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं रही। आप फोटोग्राफी कहीं पर लेंगे तो आप जो चीज़ आपके आंखों के सामने नहीं दिखा देती, वो जल्द दिखा देती है, या मिस कर जाते हैं, वो भी फोटोग्राफ में आ जाती है, वो भी फोटोग्राफी में आ जाते हैं। ये बड़े ताजुब की बात है, और ये एक आपको इसके लिए इस चीज़ की आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि फोटोग्राफी की वजह से हम किसी वस्तु विशेष की उसकी गुणों को, उसकी क्वालिटीज़ को बड़े अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसको मैप कर सकते हैं, उसका मानचित्रीकरण कर सकते हैं। जबकि कभी कभी हम अपने ओपन आई से, अपने आंखों से उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। ये तीसरी है। चौथा यूनिकिटी है, फोटोग्राफी इमेजेदार अनबायस्ड एंड परमानेंट। कोई भी फोटोग्राफी की इमेज को आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। कोई भी फोटो, मैं आपकी फ़ोटो लेता हूँ, आप मुझे मेरी फ़ोटो लेते हैं, या हम किसी जंगल की फ़ोटो लेते हैं, या ज़मीन की फ़ोटो लेते हैं, या नदी नाले पहाड़ की फ़ोटो लेते हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं करता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर जैसी होगी वैसी दिखाई देगी, जो चीज़ जहाँ पर जैसी है वैसी दिखाई देगी, और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है फोटोग्राफी की इमेज जो हैं अनबायस्ड हैं। जबकि आपको कभी कभी आप मैप में गलती कर सकते हैं, कोई चीज़ आप मैप में छिप सकती है, कोई चीज़ मैप में स्किप हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ का स्केच बना रहे हैं, आप मेरा स्केच बना रहे हैं या किसी और का स्केच बना रहे हैं, आप इस स्केच में कहीं पर आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जो शक्ल है उसकी थोड़ी अंतर आ सकती है। लेकिन फोटो में फोटो कभी भी कोई चीज़ छिपी नहीं रह सकती और उसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता। तो इस तरह से हवाई फोटोग्राफी की 4 विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 विशेषताएं इसकी हैं। अब हम बताएंगे क्वालिटी ऑफ इमेज, इमेज की, फोटोग्राफी की क्वालिटी नियंत्रण का तत्व क्या है, फिल्म करेक्टरिस्टिक, फिल्म की विशेषताएं क्या है, फैक्टर्स गवर्निंग द क्वालिटी ऑफ द इमेज। किसी फोटोग्राफी की क्वालिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, फिल्म करेक्टरिस्टिक, फिल्म की विशेषताएँ, पहले तो है फिल्म की विशेषताएँ, वो हाई रिजॉल्विंग पावर की फिल्म है, कम रिजॉल्विंग पावर की फिल्म है, किस तरह की वो फिल्म है, फिल्म की विशेषताएँ हैं, उसी वजह से आपके फोटो की क्वालिटी पता लगेगा। सीजन ऑफ द ईयर एंड टाइम ऑफ द डे, उस साल का में कौन सा सीजन में आपने फोटोग्राफी ली और कौन से टाइम है, सुबह लिया, दिन में लिया, शाम को लिया, कौन सी लिया। आप सुबह कर देखेंगे, सुबह अगर आपने 9 बजे फोटोग्राफी की पहाड़ों की ले ली तो आप पहाड़ों में तो शेडो आया रहता है, छाया आया रहती है, करीब 50% डिटेल तो आपको छाया से ढक जाएंगे, तो उसमें आपको ब्लरिंग इफेक्ट आएगा और आपके फोटोग्राफी में भी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी,
और जो शेडो के नीचे आएगी वो तो काला ही दिखा देगा, वो आएगी अभी। और सीजन में भी अगर स्काई अगर आपको रेनी सीजन में फोटोग्राफी लिया बांधा जाए तो उसकी अफेक्ट अलग आएगा, क्वालिटी ख़राब आएगी। अगर बिल्कुल डे लाइट में अगर बारिश नहीं है, बादल नहीं है, क्लियर स्काई है तो उसकी क्वालिटी फोटोग्राफी अलग आएगी। तो सुबह की फोटोग्राफी है, दिन की फोटोग्राफी है, शाम की फोटोग्राफी है, और सीजन कौन सा है इसमें भी फोटोग्राफी की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, वायुमंडलीय क्या प्रभाव है, वायुमंडल में क्या प्रभाव था उस वही उसमें आपको पता लगेगा। अब वायुमंडल में आपका पूरा डस्ट पार्टिकल्स हैं, पूरा धुंध छाई रही है, तो उसमें फोटोग्राफी का आपको क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। रिजोल्यूशन ऑफ फोटोग्राफी सिस्टम स्केल, फोटोग्राफी का सिस्टम और स्केल का संकल्प है। अब फोटोग्राफी रिजोल्यूशन क्या है फोटोग्राफी में और उसका स्केल क्या है। स्केल अगर स्मॉल स्केल की फोटोग्राफी है तो कुछ चीज़ें आपकी स्किप कर जाएंगी, कुछ चीज़ें आप देख नहीं पाएंगे, और लार्ज स्केल की फोटोग्राफी है तो डिटेल चीज़ें आपको उसमें आ जाएंगी। और जैसे इवन आपके लार्ज स्केल फोटोग्राफी में छोटा सा घर भी आ जाएगा, छोटा सा पेड़ भी आ जाएगी, छोटी सी झाड़ी भी आ जाएगी, लेकिन स्मॉल स्केल की फोटोग्राफी है ये चीज़ें आपकी ओवरलुक हो जाएंगी, वो नहीं आ पाएंगी। तो रिजोल्यूशन पे का फोटोग्राफी और स्केल पर भी सर बहुत महत्व है। स्टीरोस्कोपिक पैरलैक्स, पैरलैक्स किसको बोलते हैं, पैरलैक्स इज द अपेरेंट चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये फिजिक्स वाला नहीं, ये एरिया फोटो इंटरप्रिटेशन सिस्टम में ये पैरलैक्स बोला जाता है। पैरलैक्स इज द अपेरेंट चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो जब ऑब्जर्वर की पोजिशन चेंज होगी कोई वस्तु क्या, अगर आप फोटोग्राफी ले रहे हैं तो उसमें पैरलैक्स डेवलप हो जाएगा। स्टीरोस्कोपिक पैरलैक्स अगर सबसे ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, उसमें आपको काफ़ी फोटोग्राफी में बहुत ही अंतर आएगा, क्वालिटी में अंतर आएगा। एक्सपोजर एंड प्रोसेस, एक्सपोजर एंड प्रोसेस, अब क्या प्रोसेस आपने अपना रखी है, एक्सपोजर टाइम आपने कितना दे रखा है, ज़्यादा देना चाहिए था, कम देना चाहिए था, ये सब ये फोटोग्राफी की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। चॉइस ऑफ फोकल लेंथ, कॉमन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ लंबाई, फ्लाइंग ऊंचाई का चुनाव, ये फोकल लेंथ जब आपने फोटोग्राफी लेनी है तो फोकल लेंथ का चुनाव कैसे करेंगे। अगर आपने स्मॉल फोकल लेंथ वाला फोटोग्राफ किया तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उसमें आ जाएंगी और डिस्टॉर्शन ज़्यादा आ जाएगा स्मॉल फोकल लेंथ से, और लार्ज फोकल लेंथ से आपका डिस्टॉर्शन कम आएगा, छोटा एरिया उसमें समावेश हो पाएगा। कॉमन फोकल लेंथ आर 11.5, 15 एंड 21 सेंटीमीटर, ये कॉमन फोकल लेंथ हैं एरियल फोटोग्राफी के लिए। सामान्य नाभिक लंबाई 11.4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। एट गिवन स्केल द यूज ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ एनेबल्स द एयरक्राफ्ट टू फ्लाई एट लोअर एल्टीट्यूड एंड गिव्स ए फेवरेबल बेस हाइट रेशियो विच इन टर्न एनेबल्स बेटर इन डेप्थ एंड हाइट। अब आपका अगर आपको स्केल दिया हुआ है, गिवन स्केल में यूज ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ में, अगर स्केल आप किसी पर्टिकुलर स्केल पर आपको शॉर्टर फोकल लेंथ का यूज करना है लोअर, तो आपको लोअर एल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट को ले जाना पड़ा है, और फेवरेबल बेस हाइट रेशियो आपका उसका आएगा। बेस हाइट रेशियो मतलब हुआ आपको किस हाइट पर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और बेस क्या है उसका, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बेस की दूरी कितनी है, ये इस पर डिपेंड करेगा। विच इन टर्न एलिवेट बेटर डेप्थ एंड हाइट, और ये डेप्थ और हाइट पर डिपेंड करेगा। किसी दिए गए पैमाने पर काम कम फोकल लंबाई का उपयोग करना विमान को कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए सूक्ष्म बनाता है और एक अनुकूल आधार ऊंचाई अनुपात देता है जो बदले में बेहतर गहराई और ऊंचाई की अनुभूति को सक्षम बनाता है। इन हिली कंट्री यूज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ विल रिजल्ट इन स्केल डिस्टॉर्शन एज वेल एज एक्सेसिव इमेज डिस्प्लेसमेंट एंड इट विल मेकिंग स्टीरोस्कोपिक व्यूइंग ऑफ एरोफोटोग्राफी डिफिकल्ट। अगर हम हिली माउंटेनस टेरेन में अगर शॉर्ट फोकल लेंथ अगर लेंगे हम तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके अंदर आएगा, और जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत जो है वो आपको उसमें डिस्टॉर्शन हो जाए, क्योंकि बहुत दूर का पहाड़ भी छोटा लगेगा फोटोग्राफी में और धरती का पहाड़ भी बहुत बड़ा लगेगा। तो जो भी हिली माउंटेनस रीजन है उसके लिए
आपको शॉर्ट फोकल लेंथ का यूज करना नहीं चाहिए, उसमें डिस्टोर्शन अवॉइड करने के लिए आपको लॉन्ग फोकल लेंथ से काम लेना चाहिए, लॉन्ग फोकल लेंथ का काम लेना चाहिए। पहाड़ी भूभाग में कम फोकल लंबाई का उपयोग करने से स्केल विरूपण और साथ ही अत्यधिक छवि विस्थापन का परिणाम होगा और यह हवाई तस्वीर के प्रतिबिंब देखने के लिए कठिनाई करेगा। फ्लाइंग एट ए वेरी लो हाइट, सबसे कम हाइट में भी फ्लाई करने में, सबसे कम ऊंचाई में उड़ान भरने में क्या होगा, जनरली बिलो 1500 मीटर इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि 1500 मीटर से भी नीचे उड़ान भरना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि नीचे जो है एयर का टर्बुलेंस रहता है, आपके हवा में काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है नीचे नीचे, और ऊपर जो जो आप ऊपर जाएंगे ऊंचाई में जाएंगे टर्बुलेंस, हवा का टर्बुलेंस कम रहता है, तो इसलिए सबसे नीचे भी 1500 मीटर के उससे नीचे आना भी ये भी एडवाइजेबल नहीं है फोटोग्राफी के लिए। वैसे भी अगर हिली कंट्री में आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट तो 8000 मीटर से भी ऊपर है, तो उसमें अगर आपको इस तरह के कंसेप्ट आएंगे तो वो भी घटना हो सकती है, इसलिए नीचे हाइट पर फोटोग्राफी लेना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान आमतौर पर 1500 मीटर नीचे हवाई शांति के कारण अनुशंसित नहीं है। द यूज ऑफ 21 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ फॉर सच लार्ज स्केल फोटोग्राफी विल प्रोवाइड क्लियर डिटेल्स। और यह देखा गया है कि 21 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लार्ज स्केल फोटोग्राफी के लिए रिकमेंडेड है। इस तरह के बड़े पैमाने पर फोटोग्राफी के लिए 21 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई लेंस का इस्तेमाल कम मृत क्षेत्र के लिए के साथ स्पष्ट विवरण प्रदान करेगा।